हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, मैं हूं ज्योति मिश्रा। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने भारत को अपनी कोरोना वैक्सीन देने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन कंपनी ने इसके लिए एक शर्त भी लगा दी है। फाइजर अपनी ये शर्त अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई देशों से मनवा भी चुका है। पहले भारत सरकार ने फाइजर की ये शर्त मानने से इनकार कर दिया था। अब देखना यह है कि वैक्सीन की किल्लत के बीच अब भी सरकार फाइजर की शर्त मानती है या नहीं। एक और कंपनी, अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने भी कहा है कि वो अपनी सिंगल डोज कोविड वैक्सीन भारत में लॉन्च करेगी। फाइजर ने भारत को अपनी कोरोना वैक्सीन की 5 करोड़ डोज देने का ऑफर रखा है, लेकिन कंपनी ने इसके लिए देश के सामने एक शर्त रखी है। कंपनी चाहती है कि उसे वैक्सीन के साइड इफेक्ट की इंडेमिनिटी मिले। मतलब ये कि अगर फाइजर की वैक्सीन लगाने पर किसी को साइड इफेक्ट होता है तो कंपनी की कोई कानूनी जवाबदेही ना हो। यह रियायत मिलने पर फाइजर भारत को अपनी वैक्सीन की 5 करोड़ डोज देगी। इसके लिए फाइजर ने अपने टीके इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए इस साल फरवरी में भारत में अप्लाई किया था, लेकिन तब भी कंपनी ये चाहती थी कि उसे टीके के साइड इफेक्ट से इंडेमनिटी दी जाए। तब भारत सरकार ने फाइजर को ये रियायत देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा फाइजर ने इमरजेंसी यूज की इजाजत के लिए भारत में वैक्सीन का ट्रायल करने से भी मना कर दिया था। हालांकि खुद सरकार ने ही बाद में विदेशी कंपनियों के लिए भारत में ट्रायल करने की शर्त खत्म कर दी थी। एक और अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने अपनी सिंगल डोज वैक्सीन भारत में लॉन्च करने का ऐलान किया है। मॉडर्ना की सिंगल डोज कोविड वैक्सीन अगले साल से उपलब्ध होगी। मॉडर्ना इस सिंगल डोज वैक्सीन को बनाने के लिए कई भारतीय कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका में है और वो अमेरिका से इंडिया के लिए वैक्सीन और उसके रॉ मटेरियल की सप्लाई सुनिश्चित करने में जुटे हैं। अमेरिका ने सबसे पहले फाइजर के टीके को मंजूरी दी थी और उसके 30 करोड़ डोज की एडवांस बुकिंग पिछले साल ही कर ली थी। सेकेंड वेव के बाद कई राज्यों ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए थे, लेकिन फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों ने राज्यों को वैक्सीन देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने विदेशी कंपनियों के साथ राज्यों को वैक्सीन दिलाने का कोऑर्डिनेशन शुरू किया था। चाहे फाइजर हो मॉडर्ना हो, हम उन सबके साथ सेंट्रल लेवल से कोऑर्डिनेट करते हुए उनको दो तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक तो उनके रेगुलेटरी फैसिलिटेशन इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल्स, दूसरा प्रोक्योरमेंट रिलेटेड फैसिलिटेशन। और बोथ फाइजर एंड मॉडर्ना मोस्ट ऑफ द टाइम देयर ऑर्डर बुक्स इज ऑलरेडी फुल, तो इट इज डिपेंडिंग ऑन देयर सरप्लस हाउ मच दे कैन प्रोवाइड टू इंडिया। दे विल कम बैक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विल एंश्योर एंड फैसिलिटेट कि उसके बेसिस पर हम वो सारी चीजें स्टेट लेवल पर उसको सप्लाई किया जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके, फैसिलिटेट कर पाए। अमेरिका ने अपनी 3 कंपनियों की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। इनमें पहले नंबर पर फाइजर है, फिर मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन का नंबर आता है। कोरोना वैक्सीन की इन कंपनियों की ऑर्डर बुक 2023 तक फुल है। अमेरिका ने फाइजर के टीकों की 30 करोड़ डोज खरीदी है जो उसे इसी साल चाहिए। यूरोपीय देशों को फाइजर ने अपनी वैक्सीन की 2.4 अरब डोज देने का वादा किया है। यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौते के तहत फाइजर उन्हें ये वैक्सीन 2023 तक सप्लाई करनी है। फाइजर ने जापान, ब्रिटेन और कनाडा को भी वैक्सीन सप्लाई करने का वादा किया है। फाइजर ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोवैक्स प्रोग्राम को भी 4 करोड़ डोज देने का वादा किया है। इसी तरह मॉडर्ना की ऑर्डर बुक भी इस साल तक के लिए फुल है। उसे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को वैक्सीन सप्लाई करनी है। इसके अलावा मॉडर्ना ने WHO को भी 4 करोड़ डोज देने का वादा किया है। एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वैक्सीन का कच्चा माल अमेरिका समेत कई देशों से आता है। इनकी सप्लाई में पिछले महीने प्रॉब्लम आई थी। इस समय विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। जयशंकर इस दौरे में अमेरिकी कंपनियों से वैक्सीन हासिल करने और अपने यहाँ टीका बनाने के लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के पास टीकों की 20 करोड़ डोज एक्स्ट्रा मौजूद है। इसमें से कुछ हिस्सा उसने भारत को भी देने का वादा किया है। अमेरिका के अलावा भारत का पुराना दोस्त रूस भी अपनी स्पुतनिक वैक्सीन इंडिया को दे रहा है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी अब भारत में बनने लगी है। इसे डेवलप करने वाली रूसी कंपनी ने इस वैक्सीन को बनाने के लिए भारत की कई दवा कंपनियों से करार किया है। पनाशिया बायोटेक ने हिमाचल प्रदेश की अपनी फैक्ट्री में स्पुतनिक वैक्सीन बनानी शुरू कर दी है। रूस को कई राज्य सरकारों से भी स्पुतनिक वैक्सीन सप्लाई करने की अर्जियां मिली हैं।
स्पुतनिक वी उन टीकों में शामिल है जिन्हें भारत ने अपने मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। ये बातें अपने आप में स्पुतनिक की सुरक्षा की गवाही देती हैं। पनाशिया बायोटेक हमारे रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड की पार्टनर है जिसने स्पुतनिक वैक्सीन बनानी शुरू की है। हम भारत में स्पुतनिक वैक्सीन की 85 करोड़ डोज बनाने जा रहे हैं। भारत में हमारे कई साझेदार हैं और कई राज्यों की सरकारों ने भी हमसे गुजारिश की है। हम इन सब पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। भारत में प्रोडक्शन से पहले रूस में बनी स्पुतनिक वैक्सीन की एक खेप रूस से भारत पहुंच चुकी है। इसे लगाने की शुरुआत भी हो चुकी है। वैक्सीन का रेट भी फिक्स कर दिया गया है। इसकी एक डोज 995 रुपए में लगाई जा रही है। मई में स्पुतनिक वैक्सीन की 30 लाख डोज ही उपलब्ध थी, लेकिन अब कोरोना के रूसी टीके की सप्लाई भी तेजी से बढ़ाई जा रही है। जून में स्पुतनिक वैक्सीन की 50 लाख डोज अवेलेबल होंगी। अगस्त महीने से भारत में स्पुतनिक वी का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगेगा। भारत में स्पुतनिक वी की 85 करोड़ डोज बनाई जानी है। इसमें से 25 करोड़ डोज भारत को मिलेगी। स्पुतनिक वैक्सीन के एक डोज वाले टीके स्पुतनिक लाइट का फेज 3 ट्रायल चल रहा है और मंजूरी मिलने पर यह टीका भी भारत को उपलब्ध होगा। Sputnik Light is a single dose vaccine. Sputnik Light एक single dose vaccine है। भारत में इस टीके का प्रमोशन और वितरण बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि इसकी मदद से बहुत कम समय में ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा सकेगी। इसमें बहुत जल्द हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकेगी। रूस के दूसरे टीकों की तरह ये भी पूरी तरह भरोसेमंद है। हम तो कहते हैं कि रूसी वैक्सीन हमारी क्लाश्निकोव राइफलों की तरह भरोसेमंद है, क्योंकि ये ऐसी तकनीक पर आधारित है जिनका इस्तेमाल कई दशकों से हो रहा है। जहां तक स्पुतनिक लाइट की बात है, तो हम इसके तीसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। हम इसकी सप्लाई और इसे बनाने का काम भारत में भी करेंगे, क्योंकि भारत दवाएं बनाने में दुनिया के अव्वल देशों में आता है। भारत में बहुत जल्द स्पुतनिक लाइट उपलब्ध होगी। जुलाई महीने से देश में कोरोना के टीकों की उपलब्धता बढ़ने की संभावना है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में बताया है कि सीरम इंस्टीट्यूट इस समय हर महीने कोविशील्ड वैक्सीन की 6.5 करोड़ खुराक बना रहा है, जो जुलाई के अंत तक बढ़कर 10 करोड़ डोज तक पहुंच जाएंगे। भारत बायोटेक इस समय हर महीने 2 करोड़ कोवैक्सीन बना रहा है। जुलाई तक वो हर महीने 5.5 करोड़ वैक्सीन बनाने लगेगा। रूस के स्पुतनिक वैक्सीन बनाने वाली डॉक्टर रेड्डीज लैब और दूसरी कंपनियां इस समय करीब 3 लाख स्पुतनिक वी वैक्सीन बना रही हैं। जुलाई तक वो 1.2 करोड़ खुराक बनाने लगेंगी। यानी भारत में वैक्सीन बनाने की कुल क्षमता, जो अभी 8.53 करोड़ डोज है, वो जुलाई के अंत तक लगभग दोगुनी यानी 16.7 करोड़ डोज तक पहुंच जाएंगी। यानी जुलाई तक देश में वैक्सीन की सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद है। सरकार ने कोरोना के उन टीकों को भी भारत में मंजूरी देने का फैसला किया है जिन्हें यूरोप और अमेरिका में मंजूरी मिल चुकी है। अगर विदेश मंत्री जयशंकर अपने अमेरिकी दौरे में कुछ अमेरिकी कंपनियों को अपना सरप्लस टीका भारत को देने को राजी कर लेते हैं, तो जरूर टीकों की सप्लाई नॉर्मल हो सकेगी। हालांकि इन टीकों को भी भारत आने के बाद डायरेक्ट नहीं लगाया जा सकता, इन्हें सेफ्टी चेक के रास्ते से गुजरना होगा। पूरा जो वैक्सीन का जो सप्लाई चेन है, पूरा प्रोसेस समझने के लिए हमें दो तरीके से समझना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है अवेलेबिलिटी का, इन टर्म्स ऑफ कि हम क्या फील्ड में अवेलेबल करते हैं। उससे पहला क्वेश्चन आता है प्रोडक्शन का। तो जो जैसे हमारे मीडिया फ्रेंड्स ने पूछा है और रिपोर्ट्स भी आई हैं, तो अगर हम प्रोडक्शन को देखें तो जैसे कि बताया गया है कि करीब 6.5 करोड़ अगर कोविशील्ड इस माह में प्रोड्यूस होंगी और 1.5 करोड़ अगर कोवैक्सीन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें इस माह में प्रोड्यूस होंगी, तो अगर 8 करोड़ की प्रोडक्शन है तो वह प्रोडक्शन इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता है। देयर आर प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन एंश्योरिंग इट्स अवेलेबिलिटी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे कि प्रोडक्शन के तुरंत बाद स्टेबिलिटी और स्टेरिलिटी स्टडीज की जाती हैं फैक्ट्री प्रीमिसेस में, जिसमें करीब 1 हफ्ते के करीब लगता है। इसी तरीके से उसके बाद वह बैचेज में आती हैं और बैचेज में आने के बाद उसको सीडीएल कसौली में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर करीब 1 दिन लगता है। उसके बाद से वह सारी पर्टिकुलर जो वैक्सीन हैं, इन टर्न पूरे कंट्री में अक्रॉस वो सप्लाई चेन के थ्रू जाती हैं। इसके अलावा कोरोना की कई और वैक्सीन है जिनका ट्रायल किया जा रहा है।
इनमें जाइडस कैडिला की जी कोव डी, भारतीय कंपनी बायोलॉजिकल ई और अमेरिकी कंपनी डायनावैक्स और बेलोर कॉलेज ऑफ वैक्सीन का टीका बायोलॉजिकल ई। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन का टीका भी बना रही है। पुणे की जेनेवा और अमेरिका की एचडीटी बायोटेक कॉर्पोरेशन की साझा वैक्सीन HGCO19, भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट और अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स की वैक्सीन शामिल है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।